आ रहे हैं आप बाजार में वैसे ही तो सब काउंसलर मिलकर और सब वार्ड्स में जाएंगे और वार्ड्स में देखेंगे कहां पर क्या कमी है, क्या कमी दूर करने का क्या तरीका है। बात एक ही बात है कि आपका साथ होना चाहिए, पवन का साथ होगा तभी ठीक है। तो सर अगर डेवलपमेंट के हवाले से अगर आवाम का किस किस्म का आपको साथ चाहिए और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? डेवलपमेंट के हिसाब से देखो जैसे जितना शहर में गंदगी पड़ी हुई है, हम लोगों से ये विनती करते हैं, लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गंदगी है अपनी कोई जगह अपने प्रॉपर जगह पर रखें, जिससे स्वीपर आए स्वीपर उठा के सुबह सामान आपका ईजिली उठा के ले जाएं। ऐसे स्कैटर्ड तरीके से या हर जगह पर बिछा हो फिर उससे गंदगी ज़्यादा होगी और लोगों को परेशानी आएगी। यही हमारी ये एक लोगों से ज़्यादा यही रिक्वेस्ट है कि जो सामान है जो अपना सामान है अपनी या तो किसी दुकान के बाहर अपना एक छोटा डस्टबिन बनाए, वहाँ डस्टबिन में डाल दें, सुबह गाड़ी आएगी 6 बजे 6:30 बजे आपकी शॉप खुलने से पहले वो उसको उठा के ले जाएगी। इंक्रोचमेंट के लिए क्या करने वाले हैं आप? इंक्रोचमेंट जो है इलीगल उसको क्या करने वाले हैं? हम इंक्रोचमेंट इलीगल जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो देख लेंगे कहाँ कहाँ पर वो गलत इंक्रोचमेंट है वो रूम को रिमूव करेंगे ठीक करेंगे। हम बाजार वालों से एक और रिक्वेस्ट करते हैं जो अपनी दुकान के बाहर थोड़े एक्सपेंसिव की हुई है, बाहर कोई चीज़ लगवाई है उसको थोड़ा कट करके और साइड करें या कम कर दें, जिसकी वजह से कोई ट्रैफिक में रुकावट रहा है, लोगों में रुकावट रहा है, चलने में दिक्कत ना हो। और जो शॉपकीपर ओनर हैं दुकान्स के उनको कहेंगे इनको रेडियो को रिमूव करें, नहीं तो ऐसा साधन करें कि उनको दूर करना पड़ेगा ना, फिर तभी लोगों को कैसी परेशानी का एज ए प्रेजेंट। और मेरे साथ जितने भी 17 काउंसलर हैं वो सारे मेरे साथ इधर टूर लगा रहे हैं मार्केट में। हम यही सब शॉपकीपर्स और सब लोगों को ये कहते हैं कि थोड़ी साफ सफाई रखें, ध्यान रखें, आप हमारा साथ दें हम आपका साथ देंगे। और ये